ये जो फिल्म है जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म इज द थ्रिलर थ्रिलर मस्ट थ्रिल द ऑडियंस इट मस्ट हैव द पेस इट मस्ट हैव द एंगेजिंग क्वालिटी ऑफ वॉचिंग द ऑडियंस वॉन्टिंग टू सिट ऑन द एज ऑफ द सीट एंड कहानी अच्छी होनी चाहिए स्क्रीन प्ले फास्ट होना चाहिए परफॉर्मेंसेज बिलीवेबल होनी चाहिए एंड तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं जब हम कास्टिंग शुरू करते हैं तो हम बहुत बड़ी लिस्ट बना के चलते हैं सबको शाहरुख खान से शुरू होते हैं और जाके जहाँ भी यू नो हर एक फिल्म बनाता है वो सोचता है कि हमारी फिल्म में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान जितने सैफ अली खान ऋतिक रोशन अब वो हर एक फिल्म तो कर नहीं सकते पहली बात दूसरी बात यह वो प्रोड्यूसर की डिज़ायर होती है फिल्म मेकर की डिज़ायर होती है कि जो मेरे कैरेक्टर हैं जो हम जिनको भी सेलेक्ट करें उन रोल के लिए वो बिल्कुल उसमें लगें कि हाँ ये कैरेक्टर रियल है उसके लिए हम अब जैसे इसमें तनुश्री का कैरेक्टर एक है एयर हॉस्टेस का यंग एयर हॉस्टेस का स्पाइस जेट के लिए काम करती है तो ऑब्वियसली मेरा इरादा था कि जो लड़कियां एयर हॉस्टेस लग सकती हैं तो उनमें गुल बना गए नेहा धूपिया है तनुश्री दत्ता है चार पांच नाम आते हैं दूसरा कैरेक्टर एक छोटे शहर की लड़की का जो आती है बम्बई में शहर में और फिर बाद में अपार्टमेंट शेयर करती है उसके लिए मैंने कई लड़कियों के नाम सेलेक्ट किए अब ये नहीं है कि उनको हमने सबको ऑफर किया और सबने हाँ कहा ना कहा ऐसा कुछ नहीं है वी वेंट थ्रू द लिस्ट एंड देन वी मैचिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन देयर एंथुजियाज्म फॉर द रोल एंड देयर बजट वायबिलिटी फॉर द फिल्म दैट्स हाउ वी सेलेक्ट अनुपम प्लेज ए नोजी नेबर पड़ोस में रहता है इन लड़कियों को उसका हमेशा ध्यान रहता है इनके यहाँ क्या चल रहा है तो वो है मुश्ताक खान प्लेज वहाँ के बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है तो इन सब के सारे कैरेक्टर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं एंड सब बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर सब आप उनसे आइडेंटिफाई करेंगे I suspect foul play. I think you're overreacting. Papa is a youngster who is very much in tune with what the youngsters of today want. Acha, isse background score is very important for a thriller. I was very keen on getting the right background score. I sat on this with him. And as far as getting the गानों का जो music है, गाने हमेशा ऐसे select किए गए हैं जो कि कहानी को आगे बढ़ाएं. ऐसा कोई नहीं है कि जिसके कारण कहानी रुक जाती है. सब गाने जो हैं एक तरह से scene की तरह treat किए गए हैं. तो पप्पा ने बहुत अच्छा यंग म्यूज़िक दिया है वो इस फिल्म की डिमांड थी क्योंकि सारी कहानी यंगस्टर्स के बारे में है तो इसलिए मैंने पप्पा को लिया और पप्पा के फैमिली के साथ मेरे बहुत पुराने रिलेशन है पप्पी लहरी के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं तो इट वॉज रियली ए वेरी इजी थिंग फॉर मी टू वर्क विद हिम